रहे हैं सियासी पॉइंट। कौमी क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर शाहीन शाह आफरीदी का कहना है कि इंजरीज किसी भी खिलाड़ी की जिंदगी का हिस्सा हैं, लेकिन खुशी है कि इसी टीम के खिलाफ वापसी कर रहा हूं जहां इंजरी का शिकार हुआ था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को दिए गए पोस्ट कास्ट इंटरव्यू में फास्ट बॉलर शाहीन शाह आफरीदी ने कहा कि टेस्ट क्रिकेट से हमेशा लुत्फ अंदोज हुआ हूं, तवील फॉर्मेट में 100 विकेटें हासिल करने से महज एक विकेट दूर हूं, ये अहम संग मील है। एक साल कबल इसी श्रीलंका के गॉल टेस्ट में वो घुटने की तकलीफ में मुब्तला हो गए थे, लेकिन इसके साथ उनकी वापसी खासी मुतासर कन रही। उनकी गेंदों में वही रफ्तार, लेंथ और स्विंग नजर आई जिसके लिए वो शोहरत रखते हैं। गुज़िश्ता साल गॉल के पहले टेस्ट के चौथे दिन फील्डिंग के दौरान उनका घुटना जख्मी हो गया था। ऑस्ट्रेलिया में मुनक़िदा T20 वर्ल्ड कप में इनकी वापसी हुई थी, लेकिन बदकिस्मती से फाइनल में इनका घुटना फिर जख्मी हो गया था, जिसकी वजह से वो इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के खिलाफ होम सीरीज ना खेल पाए। शाहीन शाह आफरीदी की वापसी PSL में हुई, जिसमें इनकी कप्तानी में लाहौर कलंदर ने टाइटल जीता और इसके बाद वो न्यूजीलैंड के खिलाफ महदूद ओवर्स की सीरीज भी खेले। श्रीलंका के इस दौरे में टीम में शामिल होने से कबल शाहीन शाह आफरीदी ने इंग्लिश काउंटी नॉटिंघम शायर की नुमाइंदगी भी की, जिसकी वजह से इन्हें अपने वर्क लोड के मुताबिक खेलते हुए रिदम में आने का मौका भी मिल गया। शाहीन शाह आफरीदी का कहना है कि मुझे उम्मीद है कि हम इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की इब्तिदा अच्छे तरीके से करेंगे और इस बार फाइनल तक पहुंचेंगे। पिछली दो सीरीज में ये कमी महसूस हुई है। शाहीन शाह आफरीदी अपनी वापसी पर जिस बात से ज़्यादा पुरजोश हैं वो टेस्ट क्रिकेट में 100 विकेटों का संग मील है। वो ये एजाज़ हासिल करने वाले 11वें पाकिस्तानी तेज बॉलर होंगे, लेकिन इसके लिए इन्हें काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा है। याद रहे कि शाहीन शाह आफरीदी अब तक 25 टेस्ट मैचों में 24.86 की औसत से 99 विकेट हासिल कर चुके हैं, जिनमें 4 बार इनिंग में 5 विकेटें और 1 बार मैच में 10 विकेटों के काबिले जिक्र कारकर्दगी भी शामिल है।